Hello students, good morning to all. This video lecture is related with the protein structure. In this part, we will going to study about the primary structure of protein. इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स का एब्रिविएशंस, उनके किस तरह से कंडेंसेशन प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है, इसके अलावा ज्विटरेंस क्या होते हैं, प्रोटीन का बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया. इस पोर्शन में हम लोग इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, पेप्टाइड्स, बोन्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे. बायोलॉजिकली अकरिंग पॉलीपेप्टाइड रेंज इन साइज फ्रॉम वेरी स्मॉल वेरी लार्ज कंसिस्टिंग ऑफ 2 to 3,000 टू ऑफ लिंक्ड अमीनो एसिड रेसिड्यू. पेप्टाइड्स आर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. तो पेप्टाइड्स जो है ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, इस तरह की हम बातें करते हैं. प्रोटीन ये हम मेन हमारा टॉपिक रहता है, ठीक है. तो पेप्टाइड्स या जो प्रोटीन्स हैं, जो भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो किसकी बनी होती है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की बनी होती है. सच ए लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर या डिहाइड्रेशन प्रोसेस. ये हमने पहले ही समझ लिया था, जिसमें जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप पार्ट करता है और दूसरे अमीनो एसिड का NH3 पार्ट पार्टिसिपेट करता है. यानी COOH ग्रुप और अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप की रिएक्शन होती है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, अ कॉमन क्लास ऑफ रिएक्शन इन द लिविंग सेल्स. अंडर स्टैंडर्ड बायोकेमिकल कंडीशंस, द इक्विलिब्रियम फॉर रिएक्शंस फेवर द अमीनो एसिड्स ओवर द डाइपेप्टाइड्स. टू मेक द रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल, कार्बोक्सिल ग्रुप मस्ट बी केमिकली मॉडिफाइड और एक्टिवेटेड सो दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन बी मोर रेडिली एलिमिनेटेड. देखिए, थर्मोडायनेमिकली कोई भी रिएक्शन को फेवर कब करता है सिस्टम, जब उसमें एनर्जी सिस्टम को मिलती है. लेकिन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो होता है, इसमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है. यानी यहाँ पे डेल्टा जी कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है. लेकिन फिर भी नेचर में प्रोटीन्स कैसी रहती हैं, एक पॉलीमराइज फॉर्म में रहती हैं. तो प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन जो है वो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल रहता है. एक तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, दूसरा इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है. लेकिन फिर भी पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, प्रोटीन्स जो होती हैं ये अमीनो एसिड के फॉर्म में नहीं होकर पॉलीमराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं. इसका एक लॉजिक ये भी रहता है कि सेल्स जो होती हैं अपनी ऑस्मोलिटी को मेंटेन करके रखती हैं, और ऑस्मोलिटी जो होती है ये हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं. तो अगर 100 अमीनो एसिड्स हैं आपकी सेल में, इसकी जगह पे आपने 100 अमीनो एसिड को पॉलीमराइज करके एक प्रोटीन के फॉर्म में बना दिया, तो ऑस्मोलिटी जो है वो 100 अमीनो एसिड्स की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. तो इस तरह से टू मेंटेन देयर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, टू मेंटेन द ऑस्मोलिटी ऑफ ए सेल, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को फेवर किया जाता है. 3 amino acid can be joined by the 2 peptide to form the tripeptide. Similarly, amino acid can be linked to form tetrapeptide, pentapeptide and so forth. तो proteins जो होती हैं, amino acids जो होते हैं, protein formation के लिए एक दूसरे से peptide bond के through जोड़ते हैं. अगर आप tripeptide की बात करो तो दो peptide bonds present होंगे. Pentapeptides की बात करें तो आप 4 peptide bonds इसमें present होंगे. When a few amino acids are joined in this fashion, the structure is called oligopeptides. इसी तरह से प्रोटीन्स और भी ज़्यादा जुड़ते जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड. प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली वेट पे डिपेंड करता है. मॉलिक्यूलर वेट अगर 10,000 तक है तो हम इसे क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. लेकिन अगर प्रोटीन वेट अगर 10,000 से ज़्यादा है तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं. इन्हें पेप्टाइड द अमीनो एसिड रेसिड्यू एट द एंड विद द फ्री अमीनो ग्रुप इज द टर्मिनल अमीनो टर्मिनल एंड रेसिड्यू. द रेसिड्यू एट द अदर एंड विच हैज अ फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप इज द कार्बोक्सिल टर्मिनल ग्रुप. तो यहाँ पे NH2 जहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज एन टर्मिनल, और जहाँ पे C प्रेजेंट होता है दैट इज C टर्मिनल. ऑल द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन, इट ऑल अकर्स स्लोली बिकॉज ऑफ इट्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी. सम प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन. कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लेकिन कुछ में क्या होता है, एक से ज़्यादा होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स कहते हैं. द इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए मल्टी सब यूनिट प्रोटीन में भी आइडेंटिकल और डिफरेंट, अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं. अगर एक पॉलीपेप्टाइड में सेम जो प्रोटीन्स होती हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटोमर्स कहते हैं, ठीक है. इफ एटलीस्ट टू आर आइडेंटिकल इन ए प्रोटीन तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं. तो
प्रोटीन्स में अगर डिफरेंट मल्टी सबयूनिट प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, सब यूनिट से मिलके बनी हुई है वो प्रोटीन, तो उसमें अगर दो सब यूनिट भी सेम है तो हम इस तरह के प्रोटीन को कहते हैं ओलिगोमेरिक टाइप ऑफ प्रोटीन, और इन दो सिमिलर सब यूनिट्स को हम कहते हैं प्रोटोमर्स. हीमोग्लोबिन फॉर एग्जाम्पल हैज फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, टू आइडेंटिकल सब यूनिट्स एंड टू आइडेंटिकल सब यूनिट्स, ऑल फोर आर हेल्ड बाय द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन. तो पॉलीपेप्टाइड हीमोग्लोबिन जो है उसमें फोर पॉलीपेप्टाइड्स होता है, उसमें से टू पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं सिमिलर होती हैं, दो अल्फा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं, ठीक है, और ये चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो है उनके थ्रू कनेक्टेड रहती हैं. A few polypeptide contain two or more polypeptide chain linked covalently. For example, the two polypeptide chain of insulin like are linked by a disulfide bond. Some protein contain chemical group other than the amino acids. कुछ प्रोटीन जो होती है उसमें अमाइनो एसिड्स के अलावा दूसरी प्रोटीन ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो वे प्रोटीन जिसमें सिर्फ दूसरे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते उसे हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन्स, लेकिन अगर कोई दूसरे ग्रुप्स भी उसमें प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. द नॉन अमाइनो एसिड पार्ट ऑफ ए नॉन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो नॉन प्रोटीनियस जो ग्रुप प्रेजेंट होता है या नॉन अमाइनो एसिड पार्ट जो अगर प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप. Conjugated proteins are classified on the base of chemical nature of their prosthetic group. For example, lipoproteins contain lipids, glycoprotein contains sugar, metalloprotein contains specific metals. लेवल ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का इसको हम फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. यहाँ पे एक आपको लीनियर वे में डायग्राम दिखाया हुआ है. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो आपके अमीनो एसिड की सीक्वेंस पर डिपेंड करता है, यानी अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस को आप क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट की हम बात करते हैं, स्टेबल अरेंजमेंट की बात करते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. टर्शरी स्ट्रक्चर में हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर फोल्डिंग है तो हम इसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं. एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में एक या एक से दो से ज्यादा टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगर कनेक्टेड हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर की. फंक्शंस जो होते हैं प्रोटीन के वो डिपेंड करते हैं अमीनो एसिड की सीक्वेंस पे. देखिए अमीनो एसिड की सीक्वेंस या अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन को डायरेक्टली रिलेट करता है. द अमीनो एसिड सीक्वेंस मस्ट प्ले ए फंडामेंटल रोल इन डिटरमाइनिंग द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन एंड अल्टीमेटली इट्स फंक्शन. तो जो भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस किसको डिपेंड कर रही है, देखिए आप यहाँ के स्ट्रक्चर को देखेंगे, सीक्वेंस पर डिपेंड कर रहे हैं उसके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, या सीक्वेंस पर डिपेंड कर रहा है उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर. और हम कह रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन को रिलेट करता है, दैट मीन्स हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसका जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का वो उसके फंक्शन को रिलेट करता है. डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के अगर हम बात करें जो कि फंक्शन में सिमिलर है, ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दोज आर सिमिलर इन द प्रोटीन्स, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटीन्स होती हैं अगर हम उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो अगर सिमिलर हैं फंक्शन में तो अल्टीमेटली उनकी हम देखते हैं स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है, उनके सीक्वेंस में भी सिमिलैरिटीज होती हैं. सेकेंड, थाउजेंड ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेस हैव बीन ट्रेस्ड टू प्रोडक्शन ऑफ द डिफेक्टिव प्रोटीन्स, परहैप्स वन थर्ड ऑफ दीज प्रोटीन्स आर डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ अ सिंगल चेंज इन देयर अमीनो एसिड सीक्वेंस, हेंस इफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ऑल्टर्ड द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन मे ऑल्सो बी चेंज्ड. Finally, on comparing the functionality, similar proteins from different species, we find proteins often have similar amino acid sequences. Protein sequence can elucidate the history of life on Earth. The member of protein families are called homologous proteins or homologous proteins. कहते हैं. इसमें हम कहते हैं कि the concept of homolog can be further refined. If two proteins within a family, तो हम इस तरह के protein को कहते हैं paralogous proteins. और अगर proteins from different family, तो हम इसको क्या कहते हैं, orthologous proteins. The progress of tracing evolution evolved first identifying suitable family of homologous proteins and then using them to reconstruct evolutionary path. तो इस तरह से हमने different terminologies को यहाँ पर देखा, prosthetic groups क्या है, homologous proteins क्या है, orthologous proteins क्या है,
The covalent backbone of a typical protein contains 100 of individual bonds. The free rotation is possible around many of these bonds. The protein can assume an unlimited number of conformations. अगर हम देखते हैं अमीनो एसिड्स डिफरेंट हैं और अमीनो एसिड्स के फ्री रोटेशन की बात करें तो फ्री रोटेशन की वजह से कोई भी प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत सारे कन्फर्मेशंस को ले सकते हैं, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है. प्रोटीन्स की एक लिमिटेड कन्फर्मेशंस होती हैं या प्रोटीन एक लिमिटेड स्ट्रक्चर में लिमिटेड एक क्राइटेरियन में भी प्रेजेंट रहती हैं. तो सेक्टल अरेंजमेंट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कन्फर्मेशन. कन्फर्मेशन में अरेंजमेंट ऑफ एटम किस तरह से हम उसको क्या कहते हैं, उसका कन्फर्मेशन कहते हैं. द पॉसिबल कन्फर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन इंक्लूड एनी स्ट्रक्चरल स्टेट दैट कैन बी अचीव्ड विदाउट ब्रेकिंग कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो किसी भी तरह के बॉन्ड को ब्रेक किए बिना अगर एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है तो दिस इज नोन एज द कन्फर्मेशन चेंजेस. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात जो करते हैं दैट इज द कन्फर्मेशन चेंजेस. सेप्टल अरेंजमेंट ऑफ अ प्रोटीन गॉड हो जाता है. पॉसिबल कन्फर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन इंक्लूड एनी स्ट्रक्चरल स्टेट दैट कैन बी अचीव विदाउट ब्रेकिंग ए कोवलेंट बॉन्ड. ए चेंज इन कन्फर्मेशन कुड अकर फॉर एग्जाम्पल बाय रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड. ऑफ द न्यूमरस कन्फर्मेशन देर आर थियोटिकली पॉसिबल इन ए प्रोटीन कंटेनिंग हंड्रेड ऑफ सिंगल बॉन्ड्स वन और फ्यू जनरली प्रीडोमिनेंट अंडर द बायोलॉजिकल कंडीशंस. इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रोटीन्स जो है उनका नेटिव कन्फर्मेशन क्या होता है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर द टर्म स्टेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू मेंटेन ए नेटिव कन्फर्मेशन. नेटिव प्रोटीन आर द ओनली मार्जिनली स्टेबल. पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड एंड प्लेनर प्रोटीन स्ट्रक्चर. प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. प्राइमरी स्ट्रक्चर कोवलेंट बॉन्ड ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट ऑन द कन्फर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिंग जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था पेप्टाइड स्ट्रक्चर को. इसका हम डायग्राम देखते हैं. दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन एच के बीच में जो बॉन्ड है दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ पे हम देखेंगे कि सी ओ एच और एन एच थ्री ग्रुप जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका सी ओ एच ग्रुप इन सेकेंड अमीनो एसिड के एन एच थ्री ग्रुप के बीच में कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, वाटर का रिमूवल होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है और इनके थ्रू जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड सी सी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है. ठीक है, दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. एन और एच के बीच में बॉन्ड है, सी एंड ओ के बीच में बॉन्ड है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है. फ्रॉम दिस फाइंडिंग पॉलिंग एंड कोरे कंक्लूड. तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड आर अनेबल टू रोटेट फ्रीली बिकॉज ऑफ देयर बिकॉज ऑफ देयर पार्शल बॉन्ड कैरेक्टर्स. तो पार्शल बॉन्ड कैरेक्टर यानी बॉन्ड लेंथ अगर हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ आती है. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड के बीच में एक आइसोमराइजेशन प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं. तो इन पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होता है कि फ्री रोटेशन जो है बॉन्ड्स का पॉसिबल नहीं होता. इसी वजह से प्रोटीन के कुछ कन्फर्मेशन ही होते हैं और जितने एक होने चाहिए कन्फर्मेशन उतने नहीं बन पाते हैं. The backbone of a polypeptide chain can thus be pictured as a series of rigid planes with consecutive planes sharing a common point of rotation at C. The rigid peptide bond limit the range of conformation that can be assumed by a polypeptide chain. Every protein has a three-dimensional structure that reflects its function. This is actually related with the quaternary structure or tertiary structure. प्रोटीन स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय द मल्टीपल वीक इंटरेक्शंस. तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे वीक इंटरेक्शंस इसमें प्रेजेंट होते हैं. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द स्टेबलाइजिंग द प्रोटीन्स. इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, आयनिक इंटरेक्शंस प्रेजेंट होती हैं. ये भी क्या होते हैं कि प्रोटीन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आपके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इसके लिए जरूरी होते हैं. द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द पॉलीपेप्टाइड बैक बॉन्ड प्लेस कंस्ट्रेंट ऑन द स्ट्रक्चर. द पेप्टाइड बॉन्ड हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दैट कीप द एंटायर सिक्स एटम पेप्टाइड इन अ रिजिड प्लेन कॉन्फिगरेशन.
So this is about the sequence of amino acids, or we can say primary structure of a protein, जिसमें हमने protein की structure, उसके functions से किस तरह से relate रहती है, peptide bonds क्या होते हैं, peptide bond की stability को maintain करने के लिए कौन कौन से factors हैं जो कि responsible होते हैं, और all these basic concepts that is very very necessary for to understand the proteins in detail. Next जो हम video लेंगे उसमें primary structure, secondary structure, tertiary and quaternary, इनमें क्या डिफरेंस रहता है, इसके अलावा जो भी फंडामेंटल टर्म्स होती हैं उनको हम उसमें डिस्कस करेंगे. थैंक यू.